कपड़े धोने वाली बहू। शादी के पहले से ही विभा को कपड़े धोने का बड़ा शौक था। कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास। अरे मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। विभा की अम्मा कहाँ रखी है लुंगी? अरे वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में, देखो वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे कैसे गंदी हो गई थी, उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गांव के। हाँ ठीक बोल रही हूँ, देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी, होने वाली सास कहती है। बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मिली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया, अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है, सवाल भी पूछा तो क्या, वैसे भाई साहब मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है, मतलब जो बिटिया दे रहे ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं, सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना माँ, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर। और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाऊँ। हाँ अच्छा अच्छा, माफ करना बेटा मैंने गलत समझा, हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है। सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप, ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इसे ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा अच्छा, तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है। तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है, तुझे याद आया मुझे। शौक शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासु माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी अभी मैंने इसे सनी